Hello and assalamu alaikum. Mera naam hai Fawad and first of all thank you very much for watching this video. Is waqt YouTube aur social media par ek video bahut zyada viral hua hai, Deepak Lal ki pitai. To be honest with you, I don't know who the hell is he. क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई बहुत सारी इस वीडियो की के ऊपर रिएक्शन करने के लिए, तो मैंने बोला पहले दीपक लाल के बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली जाए. लेकिन फू रिसर्च करने के बाद पता लगा भाई ये तो कैरेक्टर ही बड़ा ख़तरनाक किस्म का है. तो बिना कोई टाइम जाए कि आइए दीपक लाल की पिटाई का वीडियो देखते हैं. इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज. मैं आता हूँ, इनको बता जो तेरे फॉलोअर्स है ना, जिनको तू बकवास करके जो तेरे को जो तू हरासमेंट कर रहा है देश में, वो बता दे कि आज के बाद में मैं कभी जिंदगी में बकवास नहीं करूंगा. हेलो हेलो, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी गुड़गांव में हूँ और मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जिंदगी में मैंने जो भी बकवास की है सोशल मीडिया पे, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो. और मैं कभी भी ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करूंगा, मैं कुछ भी ऐसी बकवास नहीं करूंगा. ये सर जो है उन्होंने मुझे समझा दिया है और मैं सर का जो सर ने मुझे समझाया है तो मैं उसका पालन करूंगा. मैं वचन देता हूं कि मैं कभी भी जिंदगी में ऐसे कुछ भी हरकत नहीं करूंगा जिसके किसको दिल को ठेस पहुंचे. प्लीज मुझे माफ कर दो सर, मैं कभी भी जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करूंगा. क्योंकि मुझे सर ने बताया, दीपक नांगल सर ने, और उन्होंने मुझे बताया मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा. प्लीज मुझे माफ कर दो. जो आप बकवास कर रहे हो ना, वो मेरे ख्याल से 10 आदमियों को अच्छी लग रही है और 1000 आदमियों को बुरी लग रही है, ठीक है. इसलिए आज आपको ये रिजल्ट देना पड़ा कि आप जो ये बकवास कर रहे हो ना, आज के बाद में अगर ये आपने बकवास करी ना, आप देश के किसी भी कोने में होंगे तो आपको थप्पड़ ही लगेंगे. जिन लोगों ने आपको आज तक छोड़ा वो इसलिए छोड़ दिया होगा कि भाई वाहियात आदमी है, इसको छोड़ दो. बाकी जिंदगी में अगर ये गलती कर दी ना, कभी आप हनीमून मना रहे हो ना कि आप मैं सोशल मीडिया पे हनीमून मनाऊ. छोटे छोटे बच्चे देखते हैं आपको, है ना. हाँ. छोटे छोटे बच्चे देखते हैं 12 साल के, 15 साल के, 17 साल के. क्या मैं कभी नहीं ऐसे करूंगा. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सर ने मुझे कहा है मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा. मैं आपको आप लोगों को वचन, आज के बाद में ना सोशल मीडिया पे ये भाई आप लोग जो भी इसके फॉलोअर्स हो, अगर एंटरटेन हो रहे हो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए और बात बहुत सारी चीजें हैं. बट छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं. अभी ये थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले सोशल मीडिया पे सीपी में खड़ा होके ये कह रहा था कि मेरे मुंह में प्रोटीन है. तेरे मुंह में प्रोटीन नहीं, 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 नहीं. इसके मुंह में प्रोटीन बता रहा है आप कि ये बाथरूम करेगा और उसमें प्रोटीन है. ये कहता है कि मैं प्रोटीन पिलाऊंगा. नहीं सर, मैं माफी यहाँ से फाड़ूंगा और पानी का दूध चाहता हूँ. मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा. मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे नांगल सर ने बताया है और नांगल सर बहुत बहुत बड़े आदमी है. और नांगल सर ने, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. बट तेरे जैसे घृणों आदमी के लिए ना मैं बहुत कुछ हूँ. मतलब तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा आज के बाद में. कश्मीर जा, कन्याकुमारी जा, कहीं जा तू. आज के बाद में अगर तूने कोई भी गलत किसी को भी मैसेज दिया ना कि मैं राखी सावंत के साथ हनीमून मनाऊंगा, हनीमून मनाएगा सोशल मीडिया पे. सर, आज के बाद में नहीं, कभी नहीं करूंगा सर. तेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं इसलिए दिखा रहा हूँ तेरे को. नहीं, मैं कभी नहीं. आज के बाद में अगर याद रखियो इस बात को. कभी नहीं करूंगा सर, प्लीज मेलविन भाई, प्लीज. नहीं नहीं, याद रखियो. शराब सिगरेट नहीं पीता हूँ. मेलविन भाई को पूछ लो. मेलविन भाई, नहीं नहीं, तू शराब सिगरेट कभी नहीं पीता हूँ सर. पकड़ अपने फोन को. शराब सिगरेट नहीं पीता हूँ मैं, सच्ची नहीं पीता हूँ. उसके बावजूद तो इतनी, मैंने क्योंकि मैंने मेरे मम्मी को वादा किया था, इनको पूछो सर, मैं कभी भी नहीं पीता हूँ. ना मैं शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ सर. तू अपनी मम्मी को भी सोशल मीडिया पे लेके आया.
शरीफ औरत है वो, शी इज वेरी, नहीं मेरी मम्मी बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो, आप उनको भी अपने सोशल मीडिया पे ला के वो जो आप बोलते हैं वो करते हैं, करते हैं आप बोलते हो ना मेरी मम्मी मुझे प्यार, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो मुझे प्यार करती है इसीलिए वो करती। क्या है? प्यार हुआ साले, आप अपने हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, आप अपनी मम्मी को सारी दुनिया को दिखा रहे हो, क्यों वजह बताओ। नहीं नहीं मम्मी, नहीं मम्मी कभी नहीं ऐसे करेगी सर, सीरियसली मेरी मम्मी की तरफ से मैं आज के बाद, नहीं नहीं मम्मी की माफी नहीं, मम्मी तो बहुत अच्छी है आपकी, उनकी तो शक्ल से पता चलता है वो अच्छी है, बट आप अपने ड्रामे के चक्कर में, आप अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के चक्कर में अपनी मम्मी की भी इज्जत खराब कर रहे हो, आपकी तो इज्जत खराब है ही। कितना प्रोटीन आपके अंदर कि मैं बाथरूम करूंगा तो मेरा प्रोटीन पी लो, क्या वाहियात बातें यार, है कुछ समझ रही है? गलत है, मैं नहीं करूंगा सर। आज के बाद में नोट कर लो, नहीं सर मैं कभी नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पे आओ अच्छे मैसेज देने के लिए, समझ गए? आज मैं जिंदगी में पहली बार सोशल मीडिया पे आया हूँ, आपको पता है? नहीं आप, मैं कभी देखा हूँ आपने सोशल मीडिया पे? मैं जिंदगी में पहली बार सोशल मीडिया पे आया हूँ, सिर्फ आपकी वजह से कि आप इतनी वाहियात बात कर रहे हो सोशल मीडिया पे। अगर आज के बाद में आपने सोशल मीडिया पे, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा कि नांगल सर को, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा, प्लीज मेरा ये वादा है सबके लिए, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा और मैं सबकी इज्जत करूंगा, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। जो भाई जो इसको देख रहे हो ना, जो आप इसको पसंद करते हो, आप जो भी हो, आप इसके फैन हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ये अच्छी बात करे तो इसको सपोर्ट करो 1000%, ठीक है? जो भी अगर कोई इसकी सोशल मीडिया पे पूछ रहा है ना कि कौन है ये, मैं हूं दीपक नांदल गुड़गांव से, ठीक है? मुझे कोई मतलब नहीं है ये कौन है बैंड का लोड़ा, आई डोंट केयर, ठीक है? मैंने इसकी वीडियो देखी आज कि ये दिल्ली में है और ये बकवासबाजी कर रहा है, इसलिए इसको पीट रहा हूं। और आज के बाद में अगर ये कोई बकवासबाजी करेगा, ठीक है, तो इसके साथ ये किसी देश के किसी भी कोने में होगा तो इसके साथ सेम होगा, ये कहीं भी हो, ये देश के किसी भी कोने में होगा तो ये करूंगा। और जो इसके फॉलोअर्स जो इसको ये सपोर्ट कर रहे ना, उनकी भी गांड पे मारूंगा। अगर किसी को भ्रम हो ना तो हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक कर लेना, अगर किसी को भ्रम हो कि कोई इसकी सपोर्ट करके, तो एड्रेस निकालने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? जो इसको पसंद करते हो इसको गाइड करो कि भाई अच्छी वीडियोस बनाए, हंसी हंसाए हमें, है ना? अगर हंसाएगा तो अच्छी चीज होगी। और ये बकवास करेगा कि मेरा ये पी लो वो पी लो, मैं राखी सावंत के साथ हनीमून मनाऊंगा, मैं लाइव हनीमून मनाऊंगा, मैं लाइव बच्चे पैदा करूंगा, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। और जो हमारे समाज के लिए गलत चीज करेगा उसके साथ यही होना चाहिए। बाकी जो इसके सपोर्टर हैं वो भी इसी जैसे हैं दल्ले, जो इसके साथ सपोर्टर हैं, जो अभी इस मैसेज में कुछ भी लिख रहे होंगे वो दल्ले हैं। अगर मेरे बारे में कोई गलत लिख रहा है तो इतनी हिम्मत रखो कि मेरा डायरेक्ट दीपक नांदल 21 के नाम से मेरी आईडी है, मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, आपका एड्रेस निकाल के आपके घर में अपने आप आ जाऊंगा, ठीक है? और अगर ये कोई गलत आईडी, गलत ये मिसगाइड कर रहा है ना, इसको गलत देखो मत, और जो ठीक मैसेज दे उसको इसको खूब अच्छे से देखो। बाकी ये सारी चीज अपने से बताएगा आज के बाद में ये कोई गलत। जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि दीपक साहब ने मुझे समझा दिया है, और मैं कभी भी ऐसे कुछ भी हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरी मतलब मैं कुछ गलत मैसेज दूं समाज को। बस मैं यही चाहता हूं कि दीपक सर मैं सीरियसली कभी ऐसे नहीं करूंगा सर। इट्स गुड फॉर हेल्थ, इसकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। आज के बाद में अगर बकवासबाजी करेगा तो कहीं भी होगा, देश के किसी भी कोने में होगा, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कहीं भी होगा, तू वहीं ढूंढ लूंगा, ठीक है? अब
जब मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने के लिए, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि दीपक लाल है क्या चीज़ असल में। तो जब पता लगा मुझे, तो मैंने बोला भाई ये बहुत बड़ा नमूना है, ही इज़ अ ब्लडी एक्टर, मे बी ही इज अ ट्रांसजेंडर, लेकिन जिस तरह की हरकतें कर रहा है राखी सावंत के साथ स्वागरात मनाने का और शादी करने का, ये वो ट्रांसजेंडर तो लगता तो नहीं है, लेकिन इज़ अ मामाज बॉय काइंड ऑफ पर्सन। किस टाइप की हरकतें करता है, मे बी ही इज़ मेंटली इल, या नेगेटिव पब्लिसिटी लेकर अपने व्यूज़ बढ़ाना चाह रहा है, या पॉपुलर होना चाह रहा है, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी इन द वर्ल्ड एनीवे। तो इस तरह के लोग जो हैं उनको तो परवाह होती नहीं है, ना माँ बाप बहन भाई ख़ानदान की रीति रिवाज कल्चर किस चीज़ की परवाह नहीं होती, ये लोग मेंटली सिक हैं इस टाइप के लोग। तो ये वीडियो तो मुझे वैसे ही फेक लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो एक्टिंग करके बोल रहा है, ये भाई जो है ना इन्होंने मुझे जो बोला है मैं वैसे ही करूँगा ये वो, और दूसरा जो बंदा है मैंने उसको किसी न किसी एड में या न्यूज़ में या फिल्म में देखा ज़रूर है, बहुत मिलता जुलता मुझे नज़र आ रहा है। तो कम्प्लीटली फेक वीडियो है ये, आई एम नॉट बाइंग इट, सिंपल इज़ दैट। दीपक लाल इज़ काइंड ऑफ छिचोरा आदमी, जो मैंने उसके प्रीवियस थोड़े बहुत वीडियोज़ और वीडियोस क्लिप देखे हैं, साथ में राखी सावंत, तो वही सोने पे सुहागा वाली बात है भाई। बट यस इज़ अ फेक वीडियो, और 5.8 मिलियन व्यूज़ इसने कमा लिए हैं, और एक किस्म का वायरल वीडियो बन गया है। जो करना चाहते थे आई थिंक दे बीन सक्सीडेड, और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे जितना भी ख़राब कैरेक्टर है, इस तरह के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी वायरल होते हैं यूट्यूब पे। पॉजिटिविटी कोई वायरल करता नहीं है, देखो यार मैं बैठा हुआ इतने टाइम से आई एम जस्ट जोकिंग। यस नेगेटिविटी इज़ लोगों को मज़ा आता है असल में गलत चीज़ें देखने में, अच्छी चीज़ें बोलते हैं क्या है यार ये क्या बोर काम कर रहा है, चल भाई निकल घर में चल जा, या ज्ञान देने आ गया ये वो फिलहाल। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपने जो मुझे रिकमेंड किया ये वीडियो, लेकिन इट्स कम्प्लीटली फेक। मैं इसके बारे में और क्या बात करूँ, फुल टाइम ड्रामा है, और आप लोग तो इसके बारे में जानते हैं दीपक लाल के किस तरह की हरकतें करता है। अब कुछ दिनों तक ये ड्रामा चलाएगा और बोलेगा कि मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आए मैं कोर्ट में ले आऊँगा घसीटूँगा। तो दो महीने के इन लोगों ने एक किस्म का स्पेस बाय कर लिया है, और लोग चढ़ दौड़ेंगे इनके वीडियोज़ पर, आप देखिएगा हर वीडियो तकरीबन वायरल ही होगा, मिलियन या दो मिलियन उनको व्यूज़ मिलेंगे ही। बहरहाल मेरा रिएक्शन यही तक था, और घड़िया आदमी है यार ये। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड खुश रहें, आबाद रहें, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।